इसका दोस्तों मैं हूं नंद किशोर, आप देख रहे हैं देसी खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। आप पीछे देख सकते हैं, ये तकरीबन पूरा 40 से 50 बीघे के अंदर इधर बगीचा लगा हुआ है। इसमें पपीता है, सीताफल है, नींबू है, एप्पल बेर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक एक करके वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आगे आने वाली वीडियो भी काफ़ी अच्छे होने वाला है, तो आप एक एक करके सारे पार्ट ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं इस पर दिखाता हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पर क्या क्या लोकेशन पे क्या क्या चीज़ लगी हुई है, क्योंकि हम इस समय ऊपर वाले एरिया पे हैं। ये लगभग डबल मंजिल का एरिया है, तो हम दिखाएंगे आपको कि कौन सी लोकेशन पे क्या चीज़ है। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इंटरक्रॉप भी लगा रखी है, बहुत सारी फसलें एक साथ लगा रखी है, तो आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो हम बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे आगे वाला एरिया ये है, यहाँ पर इन्होंने एप्पल बेर लगा रखे हैं। ये तकरीबन 3 बीघे के अंदर एप्पल बेर है, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये पपीता है। ये तकरीबन इनका इधर तक है पपीता, ये 20 से 25 बीघे के अंदर पपीता है, और इन्होंने इंटरक्रॉप लगा रखी है। इन्होंने इसके अंदर चना की फसल ले ली है, और इन्होंने अमरूद भी लगा रखा है, तो वो भी हम आपको पास से दिखाएंगे अगले वाले वीडियो में। फिलहाल आप देख सकते हैं इधर ये पपीता है पूरा, ये उनकी अगेती फसल है, ये थोड़ी पछेती है, तो ये अभी हार्वेस्टिंग चालू है। आप देख सकते हैं उधर इनका टेम्पू अभी लोड हो रहा है उधर, और उधर काफ़ी लोग भी हैं। और ये एरिया पूरा पड़द वाला एरिया है, देख सकते हैं आप चारों तरफ जंगली एरिया है। और इधर इनका ये नींबू का बगीचा है पूरा इस साइड वाला, और इधर इनका सीताफल का है, सीताफल का इनका उधर पीछे भी है। नीचे इन्होंने स्टेप बाय खेत लगा रखे हैं, और उधर देख सकते हैं पोकलेना। तो दोस्तों इसमें और इन्होंने वाटर रिचार्ज और इनका वाटर स्टोरेज के लिए भी देख सकते हैं, बारिश में इन्होंने निजी अपना तालाब भी बना रखा है। ये देखिए इतना काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी बड़ा है, और जो मिट्टी इन्होंने उठाई है खेत में डाल दी है, पूरा लेवल कर दिया था। बाकी आप देख सकते हैं पथरीली ज़मीन है, चट्टाने वाली एरिया है, ये देख सकते हैं इस तरह के पत्थर निकले थे यहाँ पर, और इन्होंने काफ़ी डेवलप कर दिया। और पूरे में इनके ड्रिप इरीगेशन है पूरे प्लॉट के अंदर, आप देख सकते हैं पूरे को, हम आप पास से दिखाएंगे हर एक प्लॉट को। और इन्होंने सोलर भी लगा रखा है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी व्यवस्था कर रखी है, डबल मंजिल है, रहने के लिए मकान है। और यहाँ पर ट्यूबवेल की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने लगभग 6 से 7 ट्यूबवेल लगा रखी है, मतलब लगा रखी है। और इनका वाटर लेवल यहाँ से 100 से 150 फीट है, ज़्यादा नहीं है, और मैक्सिमम 200 फीट की ट्यूबवेल है, बाकी ज़्यादातर 120 या 80 इतनी है, और ताकि इनके पानी की लेवल काफ़ी अच्छा है। तो ये देख सकते हैं इनका सीताफल है, ये तकरीबन 2.5 साल का हो गया ये बगीचा, और इस साल इन्होंने प्रोडक्शन लिया है, तो 2.5-3 लाख का इनका प्रोडक्शन हो गया है। और इस समय की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्केट है इसका, अभी भी इनका लास्ट में हुआ है तो अभी 180 तक बिक रहे हैं दिल्ली की मार्केट की बात करें तो, बाकी तो आपको 100 के आसपास नॉर्मल जो छोटी मंडियों में मिल रहा है मार्केट। ये इनका यहाँ ट्रांसफार्मर भी है, और नींबू का है, नींबू का भी इस समय काफ़ी अच्छा मार्केट है। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी लगभग अभी डेली ये बेच रहे हैं लगभग 60-70 केजी नींबू, और इनका मार्केट तकरीबन अभी 25 रुपये केजी मिल रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं उस साइड इन्होंने सागवान भी लगा रखे हैं, ये साइड में एरिया, और लाइनबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और सारा प्लॉट जितना आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया इसमें इन्होंने ड्रिप इरीगेशन लगा रखा है। तो दोस्तों इसके जो हम अलग अलग पार्ट्स बताएंगे आपको वीडियो के रूप में, तो आप ज़रूर देखें सारे वीडियो, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सेकेंड बार आ चुका हूँ, फर्स्ट बार इनकी प्लांटेशन हुई उस समय आया था, और अब आया हूँ तब इनका फ्रूटिंग हो चुकी है, अच्छा है। क्योंकि ये स्टेज देखने वाली होती है, जो किसान भाई पपीते की या कोई सी भी खेती करते हैं, तो आप उससे रिलेटेड अपना बगीचा देखें कि उन्होंने क्या गलतियां कर रखी है, वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही सीखने आया हूँ, यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरा मेन प्रोफेशन दूसरा है, यूट्यूब में केवल एक शौक के लिए करता हूँ, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों हम अलग अलग पार्ट्स में आपको जानकारी देंगे, तो आप ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन काफ़ी शुभ हो।